अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त आलू के जलेबी पकोड़े। ठीक है, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। शुरू करते हैं हम। ये हमने दो बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल होने के बाद हमने उसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट से क्या होगा, उसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं रहेंगी। अच्छा, उसके बाद ये 2 टेबलस्पून धनिया है, हरी मिर्ची और एक अंडा लिया है हमने। ठीक है, अंडे को अच्छे से हमने फेंट लेना है। ये देखिए, अंडा हमने फेंट लिया है। अब एक बाउल के अंदर हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेट किए हुए आलू थे, हरा धनिया, हरी मिर्चें, और इसके अंदर हमने डाल दिया है अंडा जो हमने फेंट के रखा था। इसके बाद 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च डाल रहे हैं और 1/2 टीस्पून ही नमक डाल दिया। ठीक है, 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, इतने अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे, वरना हमें बनाते वक्त मुश्किल होगी। ठीक है, इसलिए इसको बहुत अच्छा सा इसका एक इसको मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने एक पाइपिंग बैग लिया है। ठीक है, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का कोई भी जो ज़िपलॉक बैग ले सकते हैं, और इस तरह से आप इसमें भी मिक्सर सारा डाल के यहाँ से कट करें और आप आसानी से जो है वो जलेबी पकौड़ा बना सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिया पाइपिंग बैग, इसको हमने एक ग्लास के अंदर रखा और इसके अंदर ये जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो डाल दिया। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे। यहाँ से ऐसे करके हम इसको पकड़ेंगे और पीछे से हम जब प्रेस करेंगे तो ये आगे से इस तरह से ये दिखें, इस तरह से निकलेगा ये। ठीक है, ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से हम बनाएंगे जलेबी। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए, फिर आसानी से ये बन जाएगी। देख सकते हैं आप, ये देखें जी, क्या ज़बरदस्त जलेबी बनी है। ये बहुत मज़े की ये बनती हैं और बहुत लाइट हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी मसाले ज़्यादा ऐड नहीं किए, सिर्फ काली मिर्च और नमक है। बच्चे जो हैं वो ईज़िली जो है वो खा सकते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, आप ख़ुद भी बहुत इंजॉय करेंगे। ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। देखिए, इस तरीके से हमने ये जलेबियाँ बना ली हैं। इनको हमने लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। ये देखिए जी, हमारी जलेबी पकौड़ा जो है वो रेडी हो चुका है। केचप के साथ खाएं, इंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।